पासपोर्ट अप्लाई कर रही हूँ तो इसका भी छोटा मोटा रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो मैं निकल चुकी थी और मैं घर जाते हुए अपने भाई को भी साथ में रख ली थी और हम लोग निकल गए थे। तो मौसम काफ़ी खुला खुला था और हम लोग गए और मेरा जो काम था ना पासपोर्ट का, वो एक घंटे में मेरा हो चुकी थी सारी प्रोसेस बड़ी ईजीली, क्योंकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ कम थी। और अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से आप ले जा रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी राइट है, सो आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कतें नहीं जाएगी, बहुत ही ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी हो जाता है आपका काम। सो मेरा काम तो यहाँ बहुत ही जल्दी हो गया था। एक नंबर गेट कौन सा? एक नंबर गेट तो तो मेरा काम जल्दी हो गया था। हम लोग मॉल में थोड़ा बहुत घूम लिए, तो डीबी सिटी मॉल में ही है और वहीं से बस हम लोग निकले और थोड़ा देर तक यहाँ पे घूमे, उसके बाद हम चले गए थे घर। आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। आज है 14 अगस्त और कल है 15 अगस्त, तो कल से वो छुट्टियाँ पड़ रही है और उसके बाद 16 अगस्त की मैंने ले ली है लीव। तो आज हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए, तो राखी के फेस्टिवल के लिए हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, खाना भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत खा लिया है और अब बस स्टैंड के लिए हम लोग निकलने वाले हैं। तो घर जाने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है, लेकिन मैं थोड़ा थक भी चुकी हूँ क्योंकि ऑफिस में आज बहुत काम भी किया, क्योंकि जाना था छुट्टी पर और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो इग्नोर करते हैं और अब निकलते हैं हम लोग। सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, आप लोगों से मैं मिलती हूँ आगे और आप लोग बने रहिएगा। और यहाँ से आप लोगों को जो मैं घर जाऊँगी वो वाले सारे ब्लॉग मैं डेली शूट करूँगी और आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा आप लोग को ये वाले जो ब्लॉग रहेंगे कैसे लगेंगे। चलिए आप लोग से हमें थोड़ी देर बाद मिलती है। चलो अच्छे से लगा लिया लॉक, चलो चाबी भी नीचे रखते हैं। चलो यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे घर से और 9:20 की हमारी बस थी, तो हमारा ऑटो आ गया था और हम लोग बस निकल गए थे घर से। और आज पानी नहीं आ रहा था, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो ट्रैफिक वगैरह भी नहीं था रास्ते में, बहुत ही खुला हुआ मौसम था। तो हमें लगभग आधा घंटा लगा पहुँचने में, लेकिन आज ये हुआ था कि जो हमारी बस थी ना वो बहुत ज़्यादा डिले हो गई, बहुत लेट हुई। तो 10:30 बजे के लगभग बस आई थी, तो ये हमेशा जब हम जिस स्टॉप में पहुँचते हैं तो हमेशा यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर हमें दिखाई देता है। तो हम आ गए थे अपने बस स्टॉप पे और वेट कर रहे थे बस का। तो अभी फेस्टिवल का सीज़न है तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सारे लोग अपने घर जाने के लिए अपने अपनी बसेस से अपने अपने प्लेस पे जाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। तो हम लोग भी बस इंतज़ार ही कर रहे थे और काफ़ी समय निकल गया था हमें इंतज़ार करने में। 10:30 बजे तक हम वेट करते रहे बैठकर यहाँ पे।
तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, अभी 10:30 बजे हमारी बस आई है और जस्ट हम लोग अभी बैठे हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस पानी नहीं आ रहा है, तो अब कैसे भी करके पूरी रात काटना है और सुबह पहुँचते हैं फिर आप लोग से मिलती हूँ मैं। अब तक के लिए ठंडा ठंडा पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। चलती है हमारी बस और है पूरी रात का सफ़र, अब सुबह सुबह ही हम पहुँचेंगे 7 से 8 बजे घर। तब तक के लिए नींद तो आनी है नहीं बस में, जैसे तैसे रात काटना है, तो बस का सफ़र तो ऐसे ही होता है रात का। तो बस अभी यहाँ एक स्टॉप में खड़ी हुई है चाय नाश्ते के लिए, हमें कुछ नहीं खाना है, तो मैं घर से फ्रूट लेकर आई थी तो वही मैं खा रही। यहाँ पर सुबह के 5 बज रहे थे और हमारे बस में 15 अगस्त की सुबह हो चुकी थी, तो यहाँ पर बस वाले जो भैया हैं वो 15 अगस्त के लिए देशभक्ति वाले गाने बजा रहे थे और हम लोग यहाँ पे सुबह के 7 बजे पहुँच चुके थे अपने स्टॉप पे। तो हम लोग पहुँच चुके थे घर के लगभग पास, अब यहाँ से हमारा जो घर है वो आधे घंटे की दूरी में है। तो सुबह हो गई थी और 15 अगस्त का दिन था तो हर तरफ माहौल दिख रहा था, सभी स्कूल में जाने वाले बच्चे रास्ते में दिखाई दे रहे थे, बहुत अच्छा माहौल था मॉर्निंग का। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी लेकिन इस वक्त बारिश रुकी हुई थी। सो ये जितने मैंने शॉट लिए सारे स्कूल जाने वाले बच्चे हमें रास्ते में मिल रहे थे, बहुत अच्छा माहौल था। और सुबह सुबह घर पहुँचने का भी अपना एक मज़ा है, तो हम लोग 7:30 बजे के लगभग घर पहुँच जाएंगे और रास्ता काफ़ी सुंदर सुहाना था और 15 अगस्त का दिन भी था तो एक अलग ही वाइब थी हर तरफ में। तो चलिए दोस्तों हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है भोपाल से घर तक आने का और हम लोग घर लगभग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। और धीरे धीरे गाइस अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ क्योंकि अब हम घर भी पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुकी हूँ। तो घर जाने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं सोऊंगी कुछ देर तक क्योंकि रात भर तो हम सोए नहीं हैं। और ये आप थोड़ी बहुत हरियाली के मज़े ले लीजिए जो रास्ते में जाते हुए मैंने ये सब रिकॉर्ड किया था, क्योंकि अभी इस समय बहुत अच्छा मौसम है और इस समय खेती भी लगती है धान की, तो सब तरफ हरियाली है। और ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जाते जाते आप ये हरियाली के मज़े लेते हुए जाइए क्योंकि इतना अच्छा व्यू था। इस समय फसल लगती है ना धान की तो हर तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। और हम घर पहुँच चुके थे और हम लोगों ने लंच किया लगभग 12 बजे के लगभग, तो हमारे घर में बनी थी ये पातूड़ी की सब्ज़ी और साथ में मैंने खाए यहाँ पर चावल के पापड़ जो कि भुने हुए थे और बहुत दिनों के बाद घर का खाना खा के बहुत अच्छा लगा। तो गाइस इस ब्लॉग की मैं एंडिंग यहाँ पर करती हूँ, आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। और हाँ जाते जाते हमारे कालू से मिलते हुए जाइए, बाकी और भी वीडियोज़ हैं जो आगे आपके लिए आने वाले हैं। बाय बाय। Oh, 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 oh